अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गजल जवाद चैनल। क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आप सोच रहे होंगे आपकी बहन सुबह सुबह कूली क्यों बनी हुई है, तो भाई कूली अपने मकसद को बने हुए हैं। आज है हमारी वैसे तो भतीजी है मगर मेरे से बहुत छोटी है, बहुत छोटी तो नहीं है, एक डेढ़ साल छोटी है, तो हम उसको अपनी बहन ही कहते हैं। उनकी है जी शादी और अभी मैं पहुंची हूँ अगेन जारा बाजी के पास तैयार होने के लिए। तो अभी बस ऊपर जा रहे हैं, चलते हैं और फिर चल के है थक गई मैं, चल के तो तैयार शर होते हैं और फिर आपको अपनी फाइनल लुक दिखाएंगे और घर जाके आपको अमावस्या में मिलवाएंगे और जाके अपनी छोटी सी प्यारी सी दुल्हन की शक्ल भी देखेंगे। फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे जैसे ही मैं पहुंचती हूँ, तब तक जब तक मैं तैयार होती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया हुआ तो कर लें। Six and a half hours later. ले जी, तो हम हो चुके हैं तैयार और मेरी फाइनल लुक आप लोगों के सामने है, ठीक है जी। और ये फिर से वही जो मैंने पहले भी बताया था कि हम फिर से ज़ारा आपी के स्टूडियो आए थे और हम हर दफ़ा उन्हीं को आगे तंग करते हैं कि भाई मेकअप कर दें, मेकअप कर दें, टाइम थोड़ा सा है, जल्दी जल्दी कर दें, और वो जल्दी जल्दी करती हैं। मगर बहुत खूबसूरत मेकअप और बहुत ही प्यारी लुक जनरेट हुई है। मैंने बड़े अरसे बाद इतना डार्क कलर पहना है और कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं पहन सकती हूँ। अभी फिलहाल 7:15 हो रहे हैं और मुझे लेने नहीं अभी तक आए, लेने आते हैं इंशाल्लाह, फिर चलते हैं और चल के आपको हमारी प्यारी सी दुल्हन भी दिखाते हैं जो कि ज़ारा आपी के स्टूडियो से ही तैयार हुई है। तो अभी बस चलते हैं घर और फिर घर नहीं मतलब वेन्यू पर चलते हैं और वहां पहुंच के आपसे मिलते हैं। और हमारे साथ एक और गेस्ट भी हैं आज जो यहीं पे तैयार हो रहे हैं, उनकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ जब वो थोड़ा तैयार हो जाती है, पूरा हो जाता है फिर मैं आपको उनकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, एज प्रोमिस्ड हम आपको मिलवाएंगे एक और फैमिली मेंबर से जो कि आज हमारे साथ साथ ज़ारा आपी से तैयार हुई हैं। हेलो प्रीटी, थैंक यू सो मच, नॉट मोर देन यू बट यू लुक वेरी प्रीटी माशाल्लाह। हमारी भाभी की तबीयत थोड़ी सी आज नासाज है, दुआ करें सबके वो जल्दी जल्दी से बेहतर हो, तबीयत ठीक हो। और कैसा आपको अपना मेकअप कैसा लग रहा है? मुझे खुद बहुत खूबसूरत। ओ हो 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 हो, ये कौन आया है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या इधर खड़ा हो, इधर अपनी बेगम के पास खड़े हुए, टाइम नहीं है, खड़े तो हैं, एक मिनट साथ हैं, क्या निकाह हो गया आप लोगों का, साथ हैं माशाल्लाह, चश्मे बदूर माशाल्लाह, नजरबाज सिर्फ चाहे, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। चलें जी चलें। अच्छा, मैंने जाने से पहले पहले एक बात करी, वो जो लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे हैं ना कि आप अपनी भाभी को इम्पोर्टेंस नहीं देती, ठीक है, तो मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ, उन्हें बताएं क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं ईमान को इम्पोर्टेंस नहीं देती? उसको पूछो, नहीं उस उन चले आप बता दें। नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा टाइम लगता है एक दूसरे में मिक्सअप होने में, तो जस्ट न्यू है हर चीज, ऐसे ही है, इस तरह से नहीं, ऐसा नहीं है ना, बस ठीक है। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी इकलौती इकलौती बहन हो, मेरी भाभी हो, और मैं उसको इम्पोर्टेंस ना दूं या अल्लाह माफ करे एक दूसरे से दूर रखूं, और ये वो मेरी ऐसी नेचर नहीं है। तो मैंने सिर्फ इनके मुंह से कहलवाना था कि आपको इनके मुंह से भी पता चल जाए कि मैं जितनी मर्जी सफाई दे लूं, मैंने पता तो ताड़ा कुछ नहीं होना। चले जी निकले, लेट्स गो, होते हैं चलते हैं और फिर पहुंच के आपको दिखाते हैं कि वहां क्या चल रहा है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अगर किसी शख्स का मुद्दा बोले बेटा दुआ करो आपकी इजाजत के, मैं आपका खत जारी करूं, सलाम ब्रदर मोहम्मद वाले, अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले, يا قديم الاحسان بحق الحسين
اللهم الف بينهما كما الفت بين ادم وحواء اللهم الف بينهما كما الفت بين ابراهيم وهاجر اللهم الف بينهما كما الفت بين يوسف وزليخا اللهم الف بينهما كما الفت بين محمد المصطفى صلى الله عليه واله وسلم الخطيب الكبرى اللهم الف بينهما كما الفت بين علي المرتضى فاطمه الزهراء صلى الله عليه وسلم بحق محمد وال محمد इस शादी को दोनों दलों के लिए इनको जितने भी हुकूक है मियां बीवी के बेहतरीन तरीके से अदा करने के तौफीक अता फरमा इनके घरों को हमारे घरों को हर किस्म के बलिया जादू से महफूज फरमा परवरदिगार इनके यहाँ नेक साले सही सालिम और ताबेदार औलाद फरमा परवरदिगार इनके बुजुर्गान का सहायता तेरे सरों पर कायम दायम फरमा मम्मा हेलो मम्मा जी मिलना नहीं था आपने बट्टों की तरह काम चुक दिया आपने मैं आपको मिलती हूँ आपको याद है यार नहीं नहीं कोई नहीं मिली आप बस आपको अच्छा अच्छा तब मैं इमोशंस में थी मुझे पता नहीं चला अस्सलाम वालेकुम फिर से कैसी हो हेलो मेरी अम्मा की तबीयत खराब है सारे दुआ करें ठीक हो जाए जल्दी जल्दी से हेलो बाबा हेलो हेलो पापा बट्टा ने काम छेक देता है पहले रोटी खा ली है फिर मिलना है जी हमारे साथ हैं इस टाइम पे दुल्हन के बाबा जो के दुल्हन के बड़े भाई लगते हैं ये मेरी जान अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ऊंची बोले ना थोड़ा सा हाँ जी शुक्र लोगों ने आपको कसीदा पढ़ता सुना हुआ ऊंची बोले ठीक है ठीक है आप सुनाओ अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक अब आपने ये बताना ही है कि आपको कैसा फील हो रहा है आपकी बेटी की शादी ये मेरे से ज्यादा तुम अच्छा बयान कर सकते जैसे तुझे विदा किया था जैसे उस वक्त मेरी पोजीशन थी इस वक्त देख लो सुजात भाई की पहली बेटी मैं ही हूँ ठीक है पहली मैं फिर सोनू जिसकी शादी है अभी अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे सुजात भाई और ये मेरे भाई सबसे बड़े भाई हैं जिनकी बेटी की आज शादी हो रही है ये मेरी बेटी है मैं बेटी हूँ इनकी सबसे पहली बेटी इनकी मैं ही हूँ सुजात भाई अल्लाह पाक इसके नसीब बहुत अच्छे करे खुश रखे दुआएं का तलबगार बिल्कुल दुआएं तो साथ साथ ही है ना देखें थैंक यू सो मच इधर आओ तुमने पैसे लूटे है ना नहीं झूठ बोल रहे हैं ना मैंने तुझे देखा तू लूट रहा था पैसे हमें नहीं मिल सकते ये भाई हाय अस्सलाम वालेकुम दुल्हन के भैया जान जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दूसरी बहन की हो रही है शादी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बताए तासुरात बताए अपने सारी फीलिंग जो है ना वो रिवाइंड हो रही है रिवाइंड हो रही है जैसे पहले मेरी तो हो रही थी वही मेरी रिवाइंड हो रही है इलाही आमीन इलाही आमीन इसी के साथ हमारे पास है दुल्हन के दूसरे भाई हेलो वालेकुम अस्सलाम तेनु क्यों है हाँ भैया को मैंने निकाह पे देखा मैं तू पीछे चला जा तेनू देख के दुल्हन ने भी रोना शुरू कर देने ये है हमारा ये मेरा छोटा भतीजा है ठीक हो बताओ तासुरात बताओ अपनी बहन की शादी में आपको क्या ही बताया आजकल हालात मेरे बहुत बुरे टेंशन में बहुत ज्यादा हूँ मैं आजकल और बंदा हमारे साथ शादी पे आया हुआ था जिसको आपने देखा तो नहीं होएगा सारी शादी में क्योंकि मैंने भी नहीं देखा तो आपने कैसे देखा होएगा मिला देते हैं आपको विद जवाद अली अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम फैमिली क्या हाल है ठीक ठाक हैं आप लोग क्या क्या थे आप क्या कर रहे थे यार पहले बंदा बता ही देता कैसा लग रहा हूँ मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ आपको मुझे नहीं पता नजर ही आप आए तो क्या करूँ नजर तो मैं बड़ी देर का आ रहा था उन्होंने रोशनी या बॉन की पीछे के मंदिर दिखाओ पीछे के मंदिर क्या है ये देखे जी पीछे बिल्कुल ही कसम से वो लग रहा है शमशान ये भी उन लोगों ने मेरे लिए निकाला कि मैं एक शॉट निकाल लूं अच्छा अच्छा सच्चे आप सच्चे हैं अच्छा जी तो अभी हम जा रहे हैं लेट्स सी किधर जा रहे हैं जा रहे हैं हम मेरे ख्याल में कि मुझे सुजात भी ने बोला था कि हमारी तरफ आ जाओ ठीक है तो मे बी उनकी तरफ जाए नहीं तो फिर हम सीधा घर चलेंगे चलो ठीक है देखते सुजात भाई से बात करते हैं लेट्स गो अस्सलाम वालेकुम भैया अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरी भी कोई तारीफ कर दे यार के साथ माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं पर भाभी ज्यादा लग रहे हैं हाय ए वाले सेट
थैंक यू सो मच भैया आपकी अपनी दुआओं में याद रखें और ऐसे ही देखा करें व्लॉग्स, अच्छे अच्छे से व्यूज दिया करें हमें. थैंक यू, जज़ाकअल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़, लेट्स गो. Yeah.
मैसेज भाभी, ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज़। नहीं ऐसे ऐसे, अल्लाह ऐसे शायद भी अल्लाह हाफिज़ कर। जितना रो लिया ना आज आपने, इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखे, जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। सही वैसे वाला करो ना जैसे मैं करती हूँ, ऐसे अल्लाह हाफिज़। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब कुछ बेहतरीन हो गया। और मेहंदी का फंक्शन था आज, सब लेट गए हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है। और जवाद साहब भी सो गए हैं, उन्हें सुबह किसी काम पे जाना है। तो आपसे लेते हैं यहीं पर अपने लिए इजाज़त, दुआ में याद रखें, और नए जोड़े को भी दुआ में याद रखें, उनको भी दुआएँ दें कॉमेंट्स में। और आपसे लेते हैं यहीं पर इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में कल के, जो कि होगा इंशाल्लाह बारात का। सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। Allah Hafiz. I don't even know if you're